अत्री एकेडमी। टुडे क्लोजर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है आपकी एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्या आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपके पास? सपोज करो आपने एक रेस्ट का नंबर ले लिया, एडिटिव मीन्स उसमें हमें कुछ ऐड करना है और हमें क्या मिले? जीरो मिले। ऐड करें तो हमें क्या मिले? जीरो मिले। तो वो क्या होगा आपका एडिटिव इनवर्स। आप ए अपॉन बी कोई रेशनल नंबर है, उसके अंदर आप क्या नंबर, क्या रेशनल नंबर ऐड करो कि आपके पास क्या बन जाए रिजल्ट, एंड जीरो बन जाए कि रिजल्ट आपके पास क्या बने, जीरो। तो वो रेशनल नंबर क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। मीन्स एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप रैशनल नंबर जो आपके पास गिवन होगा उसका क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। क्या करोगे? साइन चेंज करोगे। अगर मैंने कह दिया आपका फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3, सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 विल बी +2/3। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +2 हमने कर दिया तो क्या बन जाएगा? जीरो। यहाँ पे 2 -2 1 -1 0 सारे क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हमने 2 लिया तो 2 अपॉन क्या होता है? 1 होता है। तो हमारी कंडीशन क्या है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड वेयर क्यू इज नेवर इक्वल टू 0। तो ये 2 अपॉन 1 है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो हम कह सकते हैं कि 2 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? 0/1 हमने क्या लिख दिया? 0/something, 0/ कुछ भी हो आपके पास, 1, 2, 3, 5, 7 कुछ भी हो आपके पास, क्या बनेगा? 0 बनेगा। और ये हमारे पास ये क्या है? 0 क्या है? 0 भी अपने आप में एक इंटीजर है और 1 भी क्या आपके पास इंटीजर है। और 1 नेवर बी इक्वल टू 0 की आपके पास क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। और यहाँ पे क्यू है नॉट इक्वल टू 0 और पी अपॉन क्यू दो बोथ है इंटीजर। तो यहाँ पे ये 0 है, ये भी अपनी रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 है पॉजिटिव और नेगेटिव सारे क्या आपके पास रैशनल नंबर है। अब हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स पे। तो एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा क्या होता है। एडिटिव इनवर्स हम कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है तो उसके क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। हमें कोई रैशनल नंबर दिया उसका साइन चेंज कर दिया तो उसका क्या बन गया? एडिटिव इनवर्स। क्या बन जाएगा? एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। और नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप क्या बोल सकते हो? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो और आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, आपके पास ए अपॉन बी है, उसको मल्टीप्लाई मीन उसकी किसी रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करें और हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, हमारे पास क्या आए? 1 आए। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसकी हम ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई करें और हमें क्या मिल जाए, जो रिजल्ट 1 मिले, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा? बी अपॉन ए। मीन्स हमने क्या किया, हमारे पास ए अपॉन बी रैशनल नंबर था, हमने न्यूमरेटर हमारे पास क्या है ए, तो न्यूमरेटर को तो हमने बना दिया, तो न्यूमरेटर को हमने बना दिया डिनोमिनेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने क्या बना दिया? न्यूमरेटर। तो हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल चेंज इनटू न्यूमरेटर। तो वो क्या बन जाता आपके पास है? या तो आप कहिए वो रेसिप्रोकल है या फिर आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जब हम किसी रैशनल नंबर को इंटरचेंज कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें तो वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। और रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी। हमने यहां से और क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिटिव
आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास होगी। सपोज ए अपॉन बी इज ए रैशनल नंबर। एडिटिव मीन्स उसके अंदर हमें कुछ ऐड करना है और ऐड करने के बाद भी हमारे पास वो रैशनल नंबर सेम रहे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स हमारे पास नॉर्मली भी हम करते हैं आइडेंटिटी कार्ड बनता है हमारा, और वो आइडेंटिटी कार्ड में क्या होता है, हमारा नाम होगा, फादर नेम, मदर नेम, विलेज, और वो क्या होता है, वो सेम रहता है। अगर आज हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड है और उसमें हमारे पास क्या है, हमारा नेम, मदर नेम, फादर नेम, विलेज है, और आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर आइडेंटिटी विल बी सेम, कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड है 5 साल के बाद, ये तो है नहीं कि हमारा चेंज हो जाएगा, वो आज जो है वो 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, कि एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स एक रैशनल नंबर में कुछ ऐड करें और वो रैशनल नंबर सेम रहे, तो वो क्या बनेगा आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो रैशनल नंबर क्या होगा, जीरो। वो रैशनल नंबर क्या होगा आपके पास, जीरो। कि किसी नंबर में कुछ ऐड भी हो और वो चेंज भी ना हो तो वो आपके पास क्या रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी विल बी जीरो। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में आपके पास क्या होगा कि किसी रैशनल नंबर ए बाय बी की हम मल्टीप्लाई करें और वो मल्टीप्लाई क्या रहे, सेम रहे, ठीक है भाई। अपना पास हमने ए अपॉन बी को रैशनल नंबर है, उसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करनी है और उसकी आइडेंटिटी भी चेंज ना हो, मीन्स वो रैशनल नंबर चेंज भी ना हो, तो वो नंबर क्या होगा हमारे पास, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि फॉर एवरी रैशनल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी विल बी 0 एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी विल बी 1। और आपके पास एनसीईआरटी की बुक में ये गिवन है, किस नाम से है, रोल ऑफ 0 एंड रोल ऑफ 1, ठीक है। तो रोल ऑफ 0 मींस एडिटिव आइडेंटिटी और रोल ऑफ 1 मींस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए नंबर लाइन, कि हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है। ये हमारे पास फर्स्ट तो ये एक लाइन है, तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। आपको ये पता होनी चाहिए कि लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर लाइन पे सेंटर में क्या होगा, 0, फिर होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये होंगे आपकी राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और आपकी लेफ्ट साइड में हो जाएंगे नेगेटिव टाइम, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये होती है आपके पास नंबर लाइन। लाइन आपके पास क्या होगी, बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आपके पास 0 होगा और लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव नंबर होंगे और राइट साइड में आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, कि आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आपके पास आपने लिया, सपोज करो 2 by 5 आपके पास रैशनल नंबर है, तो आपको 2 by 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये होगा आपके पास, सपोज हमारे पास पहले तो हम चेक करेंगे कि 2 by 5 हमारे पास क्या होगा, 2 by 5, 2 divided by 5, ये है आपके पास 0.420। तो ये आपके पास कितना आ गया, 0.4 है, और 0.4 है मींस आपके पास कहां लाई करेगा 0.4, 0 और 1 के बीच में। सपोज करो अगर हम ऐसा रैशनल नंबर ले लें जिसमें 1 point something आ जाए, 1.3 आ जाए, 1.5 आ जाए, तो वो क्या करेंगे, हम कहां पे लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम नंबर को चेक करते हैं कि वो किन दो
नंबर के बीच में ये किन दो कंप्लीट नंबर और यू कैन से किन दो नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो और परफेक्ट अगर आप बोलते हो तो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमने चेक किया कि 2.2/5 है वो क्या होगा 0.4 है, तो हम क्या लेंगे नंबर लाइन पे 0, बाकी को यहाँ पे -1 यहाँ दिखा के आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि हमें जो दिखाना है ना वो क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो हम हाईलाइट किसको करेंगे उस पोर्शन को करेंगे जो कि क्या हमें शो करना है 0.4। यहाँ पे आपके पास है डिनोमिनेटर में कितने हैं 5। ठीक है, तो हम 0 और 1 के बीच के जो पोर्शन है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 या के इक्वल पार्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट है आपके पास 0/5, ये बनेगा आपके पास 1/5 और ये होगा 2/5 और ये होगा आपके पास नेक्स्ट 3/5, 4/5 और ये है 5/5। दिस इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 यू कैन से दैट 1। ओके, और 0/5 मींस 0। ठीक है, इसमें हमने रिप्रेजेंट किया 2/5, तो 2/5 आपके पास कहाँ है, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक है, आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी है, आप सबसे पहले क्या करोगे, रैशनल नंबर को चेक करो कि उसी जो वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, या किन दो रैशनल नंबर के बीच में लाई कर रही है, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। उसके बाद जैसे हमने लिया 2/5 इन 0.4, तो 0.4 किन नंबर्स के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में, तो हमने 0 और 1 का पोर्शन लिया, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, जो हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर है ना उतने ही पार्ट्स बनाएंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर कितना था 5 था, तो हमने इसके बीच के सारे पोर्शन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसपे हमने क्या लिखा, फर्स्ट वाले को जिसे 5 है तो फर्स्ट को क्या ले लिया 0/5, नेक्स्ट को लिया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। फिर क्या किया, हमारे पास 2/5 था तो हमने इस वाले को पोर्शन को क्या कर दिया, हमारे पास डार्क कर दिया और ये है आपके पास 2/5। सपोज हमें रिप्रेजेंट करना होता 2/7 कि 2/7 को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते हम, 2/7 की आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 7 to the 14, मींस यहां से हम 0. यहां पे लेंगे 2, 14, थीटा पे करेंगे तो 21 वो ज्यादा हो जाएगा, तो आपके पास कितना है 0.2 है, 0.2 है तो सेम हम क्या लेंगे, यहां से एक सेकेंड एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 0, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया -1 एंड सो ऑन और ये आपके पास ये ले लिया मैंने 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस टाइम डिनोमिनेटर कितना है 7, तो हम इस कंप्लीट पोर्शन को 7 इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो फर्स्ट आपके पास क्या बनेगा 0/7, सेकेंड आपके पास कितना बनेगा 1/7, नेक्स्ट बनेगा आपके पास 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये हो जाएगा आपके पास 6/7 और 1 को आप क्या लिख सकते हो 7/7। अब आपको शो करना था 2/7 करना था, तो 2/7 आपके पास क्या बना ये है, तो इस टाइप से आप क्या करोगे, रैशनल नंबर को किसी भी नंबर लाइन पे क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है फाइंडिंग एनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, कि हमारे पास 2 रैशनल नंबर गिवन है और उनके बीच में आपको नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मींस आपके पास 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना आ सकता है, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज करो हमारे पास गिवन है 2 रैशनल नंबर 1/2 and 1/4। ठीक है, इसके बीच में आपको सपोज करते 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 रैशनल नंबर यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 1/2 एंड 1/4।
इसके लिए हमारे पास टू मेथड है, ठीक है। हम दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फर्स्ट मेथड क्या होगा, हमारे पास 1/2 और 1/4 है, इनके हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 और यहाँ पे कितना है 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8, एलसीएम क्या होगा आपके पास 8 होगा। 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम तो 1/2 है तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4 से। अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी सेम नंबर से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 8 बनाने के लिए हमने डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे 4 से, तो कितना बन जाएगा आपके पास 4/8। और नेक्स्ट हमारे पास 1/4, तो 1/4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, और 2/2 मींस करके क्या बनता है 1, और किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई हो तो भी वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेम नंबर होने चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करना है, आपके पास दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए, ठीक है, और सेम यहाँ पे भी दोनों नंबर क्या रहने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये बनेगा आपके पास 2/8। अब हमारे पास क्या आया 4/8 और 2/8, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, ये बन जाएगा आपके पास 40/80 और ये बन जाएगा आपके पास 20/80। अब 20/80 से 40/80 के 20 के रैशनल नंबर राइट डाउन कर दो, जितने भी पूछ रखे हैं, इसमें पूछ रहे 3 रैशनल नंबर, तो 3 रैशनल नंबर पूछ रहे तो क्या होंगे आपके पास 21/80, नेक्स्ट इज 22/80, नेक्स्ट इज 23/80, और जितने भी रैशनल नंबर पूछे आप यहाँ पे 20/80 को इंक्लूड नहीं करोगे और 40/80 को भी इंक्लूड नहीं करोगे। 21 से स्टार्ट करो न्यूमरेटर और 39 तक डिनोमिनेटर सब में क्या रहेगा, सेम 80। आप कोई भी 3 रैशनल नंबर यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। इसके बाद आपके पास सेकंड मेथड है सेम, वो सेकंड मेथड कैसे है, क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/4। तो हमारे पास पूछे कितने हैं, 3 रैशनल नंबर, तो आप क्या करोगे 3+1, 3 रैशनल नंबर पूछे आपके पास, तो आप क्या करोगे 3+1 विच इज इक्वल टू 4, तो आप न्यूमरेटर यहां से 1/2 में 4 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, क्या बन जाएगा आपके पास 4/8। नेक्स्ट बनेगा 1/4 को 4/4, ये बन जाएगा आपके पास 4/16। अभी आपके पास 2 आगे 4/8 एंड 4/16। इस केस में उसमें तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम किया था, और इस केस में आप क्या करोगे, पहले जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, यहाँ पे 3 फाइंड आउट कर रहे थे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो रैशनल नंबर आए उनमें हम अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 16 और यहाँ पे कितना है 8, तो अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 16, मीन्स हमें सिर्फ एक ही रैशनल नंबर को किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4/8 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये बन जाएगा 8/16। 8/16 आपके पास है और नेक्स्ट आपके पास 4/16। अब आप 4/16 और 8/16 के बीच के 3 रैशनल नंबर राइट डाउन कर सकते हो, वो क्या बनेगा आपके पास 4 के बाद कितना है 5/16, नेक्स्ट बनेगा 6/16 और नेक्स्ट बनेगा 7/16। ये बन गया आपके पास 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। ये आपके पास 2 मेथड हैं, आप इनमें से किसी भी एक मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1।